नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए सेशन में। तो चलिए, बहुत सारे लोग लाइव आ गए हैं, शुरुआत की जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ध्यान से सुनने सारे लोग, हमारे इस क्लास के वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। तो आप सारे लोग दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप पर, जो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पर आपको सारे वीडियोस भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर सारे के सारे पीडीएफ भी मैं आपको भेज रहा हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप ग्रुप पर मैसेज डाल सकते हैं। तो सब लोग फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करके अपनी हर प्रॉब्लम मेरे पास पहुंचाते रहें। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। अगर कोई सवाल आपके पास स्पेशल है, जो आपको कहीं भी समझ में नहीं आता, बड़ा परेशान कर रहा वो क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को भी मेरे ग्रुप पर भेज दें। मैं आप द्वारा भेजे गए सारे क्वेश्चंस भी यही डिस्कस करा दिया करूंगा और बड़े आराम से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, चलिए शुरुआत की जाए। तो आज पिछली वाली क्लास से ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जहां तक आपने पीछे पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि वहां हम लोगों से फैक्टर्स का योगफल पूछा जाता था। तो एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिख देता हूं, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया 630 के सभी 630 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। 630 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, पहले 63 कर देते हैं। 63 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। थोड़े आसान आसान सवालों से लेकर चलते हैं, क्योंकि कल आप लोगों ने कहा था कि कुछ इसमें समस्या है, तो आज इसकी सब समस्या खत्म हो जानी है। ठीक है, आज कोई प्रॉब्लम इसमें बचने नहीं देंगे। 63 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो आपको सारे गुणनखंडों का योग बताना है। एक पूछता है कि टोटल कितने गुणनखंड है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि सभी गुणनखंडों का योग कितना है। पहला बेसिक मेथड तो सबका सेम है, 63 दी गई संख्या है, तो सबसे पहले 63 के फैक्टर करो। तो 63 का फैक्टर, वैसे तो आप जानते हैं कि 7 गुणा 9, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, तो 9 को और तोड़ दे। तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 3। तो हमेशा जो फैक्टर किए जाते हैं वो अभाज्य होने चाहिए, सदा और सदा। हमेशा जब भी फैक्टर आपको करने हैं, अभाज्य ही करने हैं, प्राइम ही करने हैं। तो 63 का फैक्टर 9 गुणा 7 भी है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, तो 9 को तोड़कर 3 गुणा 3। तो हमारे पास 63 के ये फैक्टर आ गए, 7 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें सभी फैक्टरों का योग बताना है। तो कैसे बताते हैं? सबसे पहले इसमें 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 7 और 3। तो हम लोग करते क्या थे, 7 अगर एक बार है, क्या करते थे, 7 अगर एक बार है, ठीक है, तो इसको कई बार लिखते थे, 2 बार। तो यहां क्या करेंगे योगफल में, 7 अगर एक बार है, ठीक, तो एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक, और सबसे पहले क्या लिखना है, 1। तो अगर 7 लिखा है तो 7 से इंटू करते जाओ, तो पहले 1, फिर 1 में 7 से इंटू करो तो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, तो एक बार लिखा था 7, एक बार था तो 2 पद लिखने हैं, उसके बाद फिर इंटू, अगला पद कौन है, 3, और 3 कई बार है, 2 बार है, तो 2 बार है तो कितनी बार हम यहां लिखेंगे, 3 पद लिखेंगे, कितने पद, 3। सबसे पहला पद हमेशा 1, फिर प्लस,
तो यहां पर क्या है तीन, तो सबको तीन के मल्टीपल लिखे जाएंगे। तो पहले एक, फिर एक में तीन से गुणा करो तो तीन, फिर तीन में तीन से गुणा करो तो नौ। तो दो बार था तो कितनी बार लिखा गया, तीन बार। अब इनको जोड़ लें, सात और एक जोड़ो तो आठ, फिर गुणा, नौ तीन बारह, बारह और एक तेरह, तेरह का आठ में गुणा करो तो तेरह अट्ठे 104, 13 8 जा 104। सौरभ 128 कहां से आ गया, कुछ तो गलती हुई है तुमसे, कुछ तो गलती हुई है। चलो अगले सवाल में, जब तक समझ ना जाओगे तब तक पढ़ाएंगे, आज ये फैक्टर का लास्ट सेशन है, इसके बाद से मैं आपको बड़ी स्पेशल चीज पढ़ाने जा रहा हूं, शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक। और रिमाइंडर बहुत सारे लड़कों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि शेषफल का झंझट हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ठीक। और आपके एग्जाम में एक सवाल शेषफल से अक्सर आता है, ठीक, तो वो छूटेगा नहीं, बात बराबर हो जाएगी। पहले आज फैक्टर का लास्ट सेशन है, आज हम लोगों को योगफल सीखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ठीक, हमने आपको क्वेश्चन दिया, नब्बे, ठीक है, नब्बे के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, नब्बे के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, ठीक है। तो गुणनखंडों का योग, योग वाली बात याद रखना, सम, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 90, ठीक। तो अगर सम योगफल बताना है तो बेसिक मेथड तो सबका वही है, पहले नब्बे के फैक्टर करो, फैक्टर हरदम प्राइम, नब्बे में ये तो जीरो है, जीरो का फैक्टर अगर एक जीरो है तो इसका फैक्टर एक पांच गुणा एक दो, और ये जो नौ है तो नौ का फैक्टर तीन गुणा तीन, और फिर जीरो का फैक्टर एक पांच गुणा एक दो। अब सारे के सारे फैक्टर अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य माने दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह, यही फैक्टर होने चाहिए, और किसी को कभी भी फैक्टर नहीं बनाना है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, योगफल, एक एक करके शुरू करो। सबसे पहले तीन, तो तीन कई बार है, दो बार, तो अगर दो बार है तो तीन बार इसे लिखना है, ठीक, तीन पद लिखने हैं, तीन पद कह ले, पहला पद हमेशा क्या लिखेंगे, एक, फिर प्लस तीन का मल्टीपल, क्योंकि तीन है तो तीन से गुणा करते जाओ, तो पहले एक, एक में तीन से गुणा करो तो तीन, फिर तीन में तीन से गुणा करो तो नौ, हो गए तीन पद, काम खत्म। फिर आ जाइए पांच पर, तो पांच कई बार है, एक बार है, तो एक बार है तो कई बार लिखना है, दो बार लिखना है, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक, पांच का मतलब पांच से इंटू करो, तो पहले लिखा एक, फिर पांच से इंटू करो तो पांच एकम पांच, तो एक बार लिखा था तो दो पद लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाओ दो, और दो भी कई बार है, एक बार है, तो इसमें भी दो पद लिखेंगे, पहला पद हमेशा एक लिखेंगे, फिर दूसरा पद दो का मल्टीपल है तो दो से गुणा करता जाओ, तो एक, एक में दो से गुणा करो तो दो आ गया। अब सॉल्व कर ले, नौ तीन बारह, बारह और एक तेरह, गुणा पांच और एक छह, गुणा दो और एक तीन, गुणा कर दो, तो तेरह का छह में गुणा करो तो तेरह छंग अठहत्तर, और अठहत्तर में कैसे गुणा करना है, तीन से गुणा करिए, तीन अठे चौबीस का चार, और तीन सते इक्कीस, और दो हासिल तेईस, तो कितने आ गए, 234। तो नब्बे के सारे गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 234। बिल्कुल, इस बार तो गजब हो गया, मोनिका, नूर, रूपल, सुभाष,
प्रभा, रेनू, वाह बड़ा बढ़िया, आप लोग तो सीख गए। फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। 135 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। 135 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वही तरीका, पहले तो 135 के फैक्टर बना लो, ना बनते हो तो ये तरीका मैंने बार बार बताया, जब भी फैक्टर बनाएंगे हमेशा अभाज्य यानी प्राइम, तो 135 को काहे से काट सकते हैं, दो से, तीन से, पांच से, तो दो तीन से नहीं कटेगा, पांच से काटो, पांच दूना दस और पांच सत्ते 35, फिर 27 को काटो तीन से, तीन नौ 27, फिर तीन से काटो तीन तीन नौ, फिर तीन से काटो तीन एक कम तीन, एक आ जाए काटना बंद। इधर तो आए हैं, यही सारे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हम लोग 135 को क्या लिखेंगे, 135 को लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर देखें, अब हमें निकालना है योगफल। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब हम निकालेंगे योगफल। इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, दो, एक तो है 5 और दूसरा है 3, ठीक। कभी कभी यह भी सवाल हम लोगों से पूछा गया है, किसी किसी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग बात करेंगे। अगर इस सवाल में यह पूछे, ठीक है, कि कितने अभाज्य भाजक हैं, कितने अभाज्य भाजक हैं, तो अभाज्य भाजक एक है 3, अभाज्य भाजक एक है 5, तो अभाज्य भाजक कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल कितने, एक पूछता है अभाज्य भाजक कितने हैं, कुल वर्ण नहीं जुड़ा है, एक में पूछता है कुल कितने अभाज्य भाजक हैं, 1 2 3 4, तो अभाज्य भाजक कितने हो गए, कुल 4। कुल कितने प्राइम फैक्टर है, 1 2 3 4 प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर नहीं, उसकी बात अभी हम लोग कर लेंगे। तो अब हमें इसका योगफल बताना है, तो यहां देखो 5 कई बार आया है, एक बार आया है, तो हमें दो पद लिखने हैं, पहला पद हमेशा 1, अब ये 5 का मल्टीपल है, तो 1 फिर 5 से गुणा करो, 5 एक कम 5, तो एक बार था तो दो पद लिखे, 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 पद लिखने हैं, ठीक। और पहला पद हमेशा 1, फिर 1 में 3 से गुणा करो, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है, तो 1 में 3 से गुणा करो तो 3, फिर 3 में 3 से गुणा करो तो 9, फिर 9 में 3 से गुणा करो 27, ठीक है, इतना हो गया। 3 बार था तो 1 2 3 4 पद लिखने, अब 5 और 1 जोड़ो तो 5 और 1 6, इसको जोड़ो 27 और 3 30, 30 और 9 39, 39 और 1 40, तो हो गया 6 गुणा 40, ठीक है। 6 का 4 में गुणा करो तो 24, और लास्ट में 0 है तो ये 0, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 240। शैलेंद्र पाल कहते हैं कि सर जी 5 पहले क्यों लिखा, ठीक है शैलेंद्र की ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। अरे आप मुझसे जो है कोई भी सवाल पूछो, बड़ा खतरनाक सवाल शैलेंद्र पूछे हो कि पहले 5 काहे लिखे, ठीक है, मैं उन सवालों का भी जवाब देता हूं जिनके जवाब जनरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 3 बराबर कितना, तो आप कहोगे 2 + 3 बराबर 5, लेकिन कोई पूछ ले कि बताओ 2 + 3 बराबर 5 क्यों होता है, ठीक है, तो
तो कोई नहीं बता पाता है। इतने खतरनाक खतरनाक सवाल भी पूछे जाते हैं कि बताओ 2+3=5 ही क्यों होता है, बताओ कितना कठिन सवाल। लेकिन आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। देखिए, तो देखिए जैसे कहीं लिखा है 3×5, तो चाहे लिखे 3×5 और चाहे लिखे 5×3, दोनों का मतलब एक होता है। इसे कहते हैं गुणन का क्रम विनिमेय नियम। गुणन का क्रम विनिमेय नियम यानी गुणा करने में क्रम बदल सकते हैं। चाहे 3×5 लिखो, चाहे 5×3 लिखो, तुम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सौ पच्चीस के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। 225 के, हाँ पूनम सारस्वत बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया, ठीक है। 225 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, ठीक है। क्या करोगे भाई, पहले तो 225 के फैक्टर करो। फैक्टर हमेशा प्राइम यानी अभाज्य, तो इसको 5 से काट लो, जिससे कटे लेकिन अभाज्य से ही काटो, यानी 3 से काटो, 5 से काटो, 7 से काटो, 11 से काटो, 13 से काटो, 17 से काटो, 19 से काटो, 23 से काटो, है ना। हमेशा काटना अभाज्य से ही है, चाहे जिससे पहले और चाहे जिससे बाद में। 5 से काटे, 5 चौको 20, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 नवा 45, फिर 3 से काटो, 3 तियाई 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, ये सारे फैक्टर आ गए। तो 225 के फैक्टर क्या है, 5×5 3×3, इसके फैक्टर आए 5×5×3×3। अब हम लोग निकालेंगे योगफल। ये तो हमने फैक्टर बनाए, अब फैक्टर का योगफल। तो योगफल देखें क्या करना है भाई। सबसे पहले 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक। तो सबसे पहले एक एक डिजिट को लेते हैं, तो 5 को लेंगे। 5 2 बार आया है तो 1 बढ़ाकर 3 पद लिखे जाएंगे। पहला पद हमेशा 1, फिर प्लस, 5 के मल्टीपल हैं तो 5 5 से गुणा करो, 1 में 5 से गुणा करो तो 5, फिर 5 में 5 से गुणा करो 25, 2 बार था तो 3 बार लिख दिया। ऐसे ही फिर गुणे, दूसरा अभाज्य कौन है, 3 है, तो इसमें भी 2 पद हैं तो 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखोगे तो पहला पद 1, फिर प्लस, 3 का मल्टीपल चलेगा तो 1 में 3 से गुणा करो तो 3, फिर 3 में 3 से गुणा करो तो 9, 2 बार था तो 3 बार लिख दिया, बस इंटू मार दो। जोड़िए 25 5 30, 30 और 1 31, 9 3 12, 12 और 1 13, 31 में 13 से गुणा कर दे तो 13 एकम 13 का 3, हासिल लगा 1, 13 तिया 39 और 1 हासिल 40, तो हम लोगों का आंसर आ गया 403। बढ़िया, समझ गए आप लोग, ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई। चलिए अगर सारा कुछ आप लोग समझ गए हैं तो एक नई बात मैं आपको बताता हूं। एक नई बात, नई बात क्या है, नई बात देखिए, एक बार सारे लोग मैसेज कर दे कि क्या इस बात को आप सारे लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप सब लोग बढ़िया से समझ चुके हो तो मैं एक कदम आगे चलना चाहता हूं, इजाजत दीजिए।
शैलेंद्र पाल कहते हैं सर नोट्स बना रहा हूं, चेक करेंगे एग्जाम में। ठीक है शैलेंद्र, एग्जाम में तो बाद में चेक करोगे, अभी आप एक काम कर सकते हो कि जितने टेट के और सुपर टेट के पेपर हुए हो उन्हीं से मिलान करते चलना, कि जो पढ़ा रहा हूं वो आपके टेट में, वो आपके सुपर टेट में ठीक पूछा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हर वो बात ही मैं पढ़ा रहा हूं जो आपका एग्जाम पूछता है। ठीक है चलिए अगली बात करते हैं। एक क्वेश्चन है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 7 के कितने के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से बात को समझना है। एक सवाल पूछता है कि बताइए कुल कितने गुणनखंड हैं, एक सवाल पूछता है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, टोटल कितने प्राइम फैक्टर। एक कहता है कि टोटल फैक्टर बताओ, एक कहता है कि केवल प्राइम वाले टोटल फैक्टर बताओ। तो इस सवाल में कहा है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, केवल अभाज्य वाले गुणनखंडों की टोटल संख्या पूछी है। अभी तक पिछले सवालों में आपसे पूछते थे कि टोटल गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है, लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य कौन है, दो अभाज्य है, अभाज्य कौन है दो, और कौन है तीन, और कौन है अब 5। तो दो यहां पर कई बार है, 5 बार है, ठीक है। तो दो वाले कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5, तीन वाले कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2, और 5 वाले कितने अभाज्य है, 7। तो कुल कितने प्राइम फैक्टर है, कुल कितने अभाज्य फैक्टर है, तो दो एक अभाज्य है और दो वाले कितने हैं, 5, तीन एक और अभाज्य है, तीन वाले कितने हैं, 2, 5 वाले कितने हैं, 7। तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 ये, 2 ये, 7 ये, तो 7, 5, 12 और 2, 14, ठीक है। तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, एक पूछता है कि टोटल कितने गुणनखंड हैं, वो हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा। एक हमने पढ़ा कि सभी गुणनखंडों का योग बताओ, ठीक, एक हम लोगों ने पढ़ा कि कुल कितने सम गुणनखंड है, एक हमने पढ़ा कि कुल कितने विषम गुणनखंड है, एक हमने पढ़ा कि 7 के अपवर्त वाले कितने, ठीक, और एक आज हम लोगों ने पढ़ा कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। चलिए फिर से एक क्वेश्चन देते, एक क्वेश्चन है, ठीक है, 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, अब ये वर्ड अगर आ जाए अभाज्य तो केवल अभाज्य वालों को लेना है, ठीक। तो 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले 240 के प्राइम फैक्टर करो, ये तो हमेशा करना है। 240 में एक तो 0 है और 0 का फैक्टर जानते हैं 5 गुणा 2, दूसरा है 24, 24 के फैक्टर करो, तो 24 के फैक्टर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाई 24, ये तो 24 के फैक्टर हो गए। फिर 0, 0 का फैक्टर हो गया 5 गुणे 2। अब पूछा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो ये सब अभाज्य ही तो हैं, ये सब अभाज्य है, ठीक। तो कुल कितने अभाज्य है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 6, खत्म बात। ऐसे भी कर सकते, इसी को अगर पावर में लिख दो तो 2, 2 कई बार है, 1, 2, 3, 4 बार,
तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4, 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की घात 1, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की घात 1, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 1 अभाज्य गुणनखंड है, कई बार आया है, 4 बार, 3 1 अभाज्य गुणनखंड है, कई बार आया है, 1 बार, 5 1 अभाज्य गुणनखंड है, कई बार आया है, 1 बार, तो कुल कितने अभाज्य हुए, 4 4 1 5, 5 1 6। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, 460 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। थोड़ा एक आध बार इंग्लिश भी लिख देता हूं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जान जाओगे। ठीक, 460 के कुल कितने प्राइम फैक्टर है, प्राइम माने अभाज्य, वही बात है जो अभी पढ़ा था। तो 460 के सारे गुणनखंड नहीं बताने, केवल प्राइम वाले, अभाज्य वाले बताने हैं। तो 460 पहले इसके फैक्टर करो, तो एक तो इसमें 0 है, 0 का फैक्टर आप सीख गए, 46 का फैक्टर करो, तो 46 का फैक्टर होगा 23 गुणे 2, 23 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य। ठीक, और 0 का फैक्टर 5 गुणा 2। ठीक, टोटल कितने अभाज्य हैं, तो सब अभाज्य ही तो हैं, जोड़ लो 1 2 3 4, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक, क्लियर है सारा सबको, हाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात तो मैसेज पर डालते रहे। चलिए अब एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया एमसीक्यू के रूप में। अब हम लोगों ने जितना पढ़ा उन्हीं के सवालों को हम लोग थोड़ा एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक, कि जो पीछे आपने पढ़ा है सबका सब रिवीजन होगा, जितना पीछे पढ़ा है उन सबके क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि एक बार टोटल रिकॉलिंग हो जाए। ठीक, अब बताओ 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या, सम, सम का मतलब वो जो 2 से कटते हो, कैसे कटते हो, 2 से, तो अगर 2 से कटते हो तो सबसे पहले 100 को 2 से काट लो। समभाजक का मतलब वो जो 2 से कटे, तो 100 के समभाजक बताने हैं, तो सबसे पहले 100 को काहे डिवाइड कर दो, 2 से, 100 को 2 से काटो, कितना आया, 50। अब 50 के जितने गुणनखंड होंगे सबके सब इवन होंगे, सबके सब सम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सम का मतलब ही है जो 2 से कटे, तो 2 से काट दिया। अब 2 से काटने के बाद जो बचा उसके जितने भी आएंगे सब सम होंगे ही। ठीक, तो हम 50 के सारे फैक्टर निकालेंगे, तो पहले 50 के प्राइम फैक्टर करो, तो 50 का मतलब 5 और 0 का मतलब 5 गुणा 2। अब इसके टोटल फैक्टर निकाल लो। ठीक, तो अब 50 के क्या निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालते थे, टोटल फैक्टर भूल तो नहीं गए हो, 5 कई बार है, 2 बार, तो 1 बढ़ाकर 3, 2 कई बार है, 1 बार, तो 1 बढ़ाकर 2, तो 3 दूनी 6, तो 100 के समभाजकों की संख्या 6। तो भाई रेनु, रूपल, सोना, पूनम, सौरभ, इतने लोगों का आंसर आया। एक बार फिर से बता दूं, मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप को सारे लोग ज्वाइन कर लो, वहां पर सारी आपको मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई बात हो तो मैसेज के द्वारा मुझे भेज भी सकते हैं। साथ में जितना मैं पढ़ाता हूं सारी की सारी PDF उस ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। ठीक, तो सारे लोग उसको ज्वाइन कर ले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 84 के सभी धनात्मक, धनात्मक कहें या ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 84 के सभी गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही सवाल है जो आपके टेट के पेपर में ही आया है, ठीक। और बहुत कम ही लड़के इसको लगा पाए। 84 के सभी गुणनखंडों का योग, तो योग तो आप निकालना जानते हैं, लेकिन कहा है जो 7 के गुणज हो, काहे के गुणज हो, 7 के, तो ये वाली बात मैंने आपको कैसे बताई। अगर वो 7 के गुणज कहे तो सबसे पहले 84 को 7 से काट दो, 7 से काटने के बाद जितना आएगा सब 7 का गुणज हो जाएगा, तो 7 से 84 को काटो तो कितना आया, 12, ठीक। अब हम लोग 12 का योगफल निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड करो, तो 12 के गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो ये तो 12 के गुणनखंड हो गए। अब हमको निकालना क्या है, योग, ठीक है। योग निकालने का तरीका, योग निकालने का तरीका, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो अगर ये 2 बार है तो कै पद लिखेंगे, 3, सबसे पहला पद हमेशा 1, तो अगर 2 है तो 2 के मल्टीपल चलेंगे, सबसे पहले 1, फिर प्लस, 1 में 2 से गुणा करो तो 2, फिर 2 में 2 से गुणा करो तो 4, 2 बार था 3 बार लिख दिए, फिर गुणे 3, 3 कई बार है, 1 बार है तो 2 पद लिखेंगे, तो पहला पद कितना, 1, फिर प्लस, तो अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 1, 1 में 3 से गुणा करें तो 3। अब ध्यान दे, ठीक है, कितने बार पा, 1 बार था तो कई बार लिखा, 2 बार, ठीक। अब क्या करेंगे, 4, 2, 6, 1, 7, 7 गुणे 4 3 और 1 4, तो ये 7 चौक कितना आया, 28 आया, आया 28। अब याद रखो, अगर 7 से डिवाइड किया है तो योगफल जब निकालोगे तो आखिरी में 7 से गुणा कर दो, यही आंसर है। अगर 7 से डिवाइड किया है तो जब योगफल निकालोगे तो उसी 7 से क्या कर देना है, इनटू, तो 7, 8, 56 का 6, 7 दूनी 14, 14 और 5, 19, आंसर आ गया 196, यानी सी। देखिए, मूल मेथड मेरा जो है वो वही चलता है, वो बदलना नहीं है, लेकिन क्या है कि मैंने पहले बताया कि आपको गणित में थोड़ा तो दिमाग हिलाना पड़ेगा, दिमाग हिलाने का नाम ही है गणित। शैलेंद्र पाल पूछते हैं कब गुणा करना है, कब जोड़ना है। शैलेंद्र, अगर वो पूछता है योगफल तो योगफल वाले में जोड़ना है, ठीक। और अगर कहा है 7 के गुणज हैं, ठीक है, तो 7 के गुणज कभी भी कहेगा, 7 के गुणज, 7 के अपवर्त, ठीक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको 7 से काट दो, जैसे पिछले सवाल में कहा था सम, तो सम माने कौन, जो 2 से कटे, तो सबसे पहले हमने 2 से काट लिया था, 7 के गुणज मतलब जो 7 से कटे, तो सबसे पहले इसको 7 से काट दो, उसके बाद जो बचा इसका हमने योगफल निकाला, योगफल निकालने के बाद अगर 7 से डिवाइड किया तो उसी 7 से इनटू कर दो। चलिए, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल, इसमें कोई नहीं कहा, ठीक है, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो सबसे पहले 96 के फैक्टर करो, तो 96 के फैक्टर करो भाई, चाहे ऐसे ऐसे तोड़ लो और चाहे डायरेक्ट तोड़ लो, 96 अगर किसी को डायरेक्ट आता है, ठीक, तो हम जानते हैं 16 छक्का 96,
ऐसे लिख दो, लेकिन इसको प्राइम में तोड़ो तो 16 को तोड़ोगे दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी 16, तो ये तो 16 हो गया। 6 को तोड़ोगे तो दो तियाई 6, ऐसे भी फैक्टर कर सकते। अब 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल, और कुछ कहा ही नहीं। अब निकालोगे योग, अब योग निकालने में देखो दो कितनी बार आया है, एक दो तीन चार पांच बार आया है तो 6 पद लिखने, पांच बार आया है तो 6 पद लिखने हैं। तो पहला एक, एक में दो से गुणा करो दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, पांच बार है दो, दो कितनी बार है पांच बार, तो 6 बार लिखेंगे, एक दो तीन चार पांच 6 बार लिख दिया, ब्रैकेट बंद। इसके बाद तीन कै बार है, एक बार, एक बार है तो कै पद लिखेंगे दो पद, पहला पद एक, तीन से मल्टीप्लाई करो एक तिहाई तीन, अब इसको जोड़ो 32, 32 और 16 48 है ना, 48 में दो जोड़ो 50, 50 में आठ जोड़ो 58, 58 में चार जोड़ो 62, 62 में एक जोड़ो 63, गुणा तीन में एक जोड़ो चार, 63 गुणे चार तो चार तियाई 12 का दो, चार छंग 24 और एक हासिल 25, तो आंसर कितना आ गया 252। अगर 96 के फैक्टर ऐसे नहीं कर पाते तो यहां से कर लेते हैं, दो दो से काटो, दो चौको आठ एक नौ, दो अठे 16, दो से काटो इसको 24, दो से इसको काटो 12, दो से इसको काटो 6, दो से इसको काटो 3, तीन एकम 3, ऐसे भी फैक्टर कर सकते, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 210 के गुणनखंडों का योगफल बताइए, 210 के गुणनखंडों का योगफल, सीधा सवाल है, ठीक। तो सबसे पहले 210 के फैक्टर करो, ठीक, 210 के फैक्टर करो, तो जीरो का फैक्टर करना नहीं, क्योंकि जीरो का फैक्टर हमें मालूम है, एक जीरो का मतलब एक पांच गुणा एक दो, 21 के फैक्टर करो, 21 का फैक्टर 7 गुणा 3, फिर 0 का फैक्टर 5 गुणा 2। अब फैक्टर करने के बाद हमको क्या निकालना है, योग। योग कैसे निकालेंगे भाई, एक एक फैक्टर से शुरुआत करो, पहला फैक्टर है 7, तो 7 कई बार है एक बार, तो दो पद, एक बार है तो दो पद लिखो, पहला पद हमेशा एक, 7 से मल्टीपल करो, 7 एकम 7, फिर इनटू, दूसरा पद है 3, 3 एक बार है तो दो पद, तो हो जाएगा 1+3, फिर है 5, 5 कई बार है एक बार, तो दो पद लिखो, पहला पद हमेशा 1, 5 का मल्टीपल है तो 5 एकम 5, फिर अगला पद है 2, है ना, 2 एक बार है तो दो पद, तो पहला पद एक और दो से गुणा करो दो एकम दो। अब इंटू करो, 7 में एक जोड़ो 8, 3 में एक जोड़ो 4, 5 में एक जोड़ो 6, 2 में एक जोड़ो 3, सब गुणा कर दो आंसर, सब गुणा कर दो आंसर, ठीक है। हाँ देखिए, कैसे भी गुणा करो, क्रम विनिमेय नियम फॉलो, गुणा में क्रम विनिमेय नियम फॉलो, चाहे जिसको पहले चाहे जिसको बाद में। हम ऐसे करें, देखो 3 चौक 12 और 12 छंग 72, तो ये 72 हो गया, तो ये आ गया 8 गुणा 72। अब 8 से 72 को गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, 8 सते 56 और एक हासिल 57, तो आंसर कितना आ गया 576। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है,
सही करके लिख लीजिएगा 576। ऑप्शनों में इस सवाल में कुछ गलती हो गई है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, 576 576 आएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए वही सवाल ये लिखा हुआ है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल और इसमें आंसर है 576। ठीक है, तो वो मिस्टेक थी, वही सेम सवाल है, सेम इसका आंसर है, 576 आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा सा इस सवाल पर देखें, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो 42 पहला काम तो फैक्टर करो, तो 42 का फैक्टर, ठीक है, 2 3 6 और 6 7 42, 2 3 6 6 7 42। अब कहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सारे गुणनखंड नहीं बताने हैं, खाली अभाज्य, तो ये सब अभाज्य ही तो हैं। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। लैंग्वेज देखे ना, अगर कहता ठीक है कि 42 के अभाज्य ना लिखा होता, ये ना लिखा होता, कहता 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक, तो क्या करते, अगर सभी गुणनखंडों की संख्या कहता तो क्या करते, 2 1 बार है 1 बढ़ा के 2, 3 1 बार है 1 बढ़ा के 2, 7 1 बार है 1 बढ़ा के 2, तो 2 2 4 2 8, तब आंसर 8 आता। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा 42 के सभी ना बताओ, खाली अभाज्य बताओ, तो 42 के फैक्टर 2 3 6 7 42, केवल अभाज्य। तो अभाज्य क्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, दोनों बात याद रखना, एक में कहता है अभाज्य वाले बताओ, एक में कहता है सारे बताओ, एक में कहता है 7 के गुणज वाले बताओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट, 105 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक, 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो मतलब कौन से बताने हैं, सारे। अगर कहता अभाज्य तो केवल अभाज्य बताते, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं, इसने कहा 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो जब कुछ भी नहीं कहा तो इसका मतलब सारे गुणनखंड बताने। तो सबसे पहले 105 के फैक्टर कर लो, तो 105 के फैक्टर कैसे करोगे, या तो आपको पहाड़ा याद हो, तो पहाड़ा होता है 15 7 105, ऐसे तोड़ दो। फिर ये फैक्टर अभाज्य होने चाहिए, तो 7 तो अभाज्य है, 15 नहीं है, 15 को और तोड़ दो, 15 को लिखेंगे 5 × 3 और × 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे हैं, सारे बताने हैं। ठीक, तो सारे गुणनखंड बताने हैं, टोटल फैक्टर बताने हैं, टोटल फैक्टर बताने, तो क्या मेथड है, 5 कै बार है 1 बार, तो 1 बढ़ा के 2, 3 कै बार है 1 बार, 1 बढ़ा के 2, 7 कै बार है 1 बार, 1 बढ़ा के 2, तो 2 2 4 2 8। सारे के सारे लोग एक बात को ध्यान से समझें कि क्या आपने पिछली सारी वीडियो अच्छी से देखी है, मैंने बड़े क्रम से इसको पढ़ाया है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया कि चाहे आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, और ऐसे ही मैं हर चैप्टर पढ़ाऊंगा, चाहे जितना पढ़ाना हो सारे चैप्टर में ऐसे ही लेके चलूंगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान दें कि पिछली वाली जो क्लासेस हैं वो सारे वीडियोस भी देखने जरूरी हैं। इसके बाद तो मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो जब नया चैप्टर शुरू करूंगा तो वो शुरुआत से चलेगा। ठीक, सारे के सारे लोग अगर हो सके तो
तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। टेलीग्राम वाला जो मेरा ग्रुप है वो सब्सक्रिप्शन में नीचे दिया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। शैलेंद्र पाल पूछते हैं कि 12 क्वेश्चन हुए हैं, अगले सवाल, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो इस बार योगफल बताना है भाई। तो सबसे पहले 100 के फैक्टर करो, 100 में कई जीरो हैं, 2, 1 का तो कोई फैक्टर होता नहीं, 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब 2 बार 5 2 बार 2 हो गए 100 के फैक्टर। अब हमको क्या बताना है, योग, योग बताना है। तो अगर योग बताना है तो 5 कई बार है, 2 बार, तो 2 बार है तो कई पद लिखेंगे, 3 पद लिखेंगे, ठीक। पहला पद हमेशा 1, फिर 5 के मल्टीपल लिखेंगे, ठीक। तो 1 में 5 से गुणा करो 5, फिर 5 में 5 से गुणा करो 25, 2 बार था 3 बार लिख दिया। फिर आ जाइए 2 पर, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक, तो 3 बार लिखेंगे। तो पहला पद हमेशा 1 प्लस, फिर 1 में 2 से गुणा करो 2, फिर 2 में 2 से गुणा करो 4, हो गया काम। ये भी आप लोगों के सुपर टेट या टेट के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जोड़ो 25 5 30, 30 और 1 31, गुणा 4 2 6 6 और 1 7, 31 में 7 से गुणा करो, ठीक है रेनू, एक एक वीडियो हमने देखी है। चलिए मैं आप सारे लोगों को बताऊं, मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि मेरी बात आपकी खोपड़ी में घुस जाए, भरपूर कोशिश में कर रहा हूं, ठीक। इसके अलावा भी आप अपनी समस्याएं बताते रहिए, मैं और कोशिश करता रहूंगा, ठीक। आप बस बताते रहिए, अपनी तरफ से मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, इसके फिर भी आपको प्रॉब्लम है फिर बताइए, ठीक है, और किया जाएगा। हाँ, हारी नहीं माननी है, हारी नहीं माननी है। गुणा करो 7 एकम 7 7 3 21, 217, चलो शैलेंद्र कह रहे हैं सही, ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब कहते हो कि हाँ समझ में आ गया, तो आप नहीं जानते मुझे कितनी खुशी होती है, ठीक है। इधर आप मेरी आवाज से आपको कुछ लग रहा होगा कि आवाज मेरी काफी खराब है, दरअसल लगभग 1 सप्ताह हो गया, ठीक है, लगातार जो आपका बुखार सर्दी जुकाम है मुझे छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी मैं एकदम फिट हूं, मैं आपका काम पूरा करूंगा। चलिए ए सवाल पर आ जाओ भैया, खास सवाल आ गया, 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग। इसको देखें, योग तो पूछा है लेकिन सबका योग नहीं पूछा, केवल किनका योग पूछा है, विषम भाजकों का योग पूछा, सबका योग नहीं बताना है, केवल विषम भाजकों का योग बताना है, ठीक, मतलब जो विषम गुणनखंड है, सारे विषम गुणनखंडों का योगफल बताना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले 360, तो 360 के पहले फैक्टर करो, 0 तो अलग हो गया, 36 के फैक्टर करो, तो 36 के फैक्टर, ठीक है, 2 2 2 4 4 3 12 12 3 36, और फिर 0, 0 का फैक्टर 5 गुणा 2, ठीक है, सभी विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजक कौन है, आड कौन है, विषम कौन है, 3 3 5, यही है विषम, और कोई विषम नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई विषम नहीं है, यही बात आपको ध्यान रखनी है, विषम भाजकों का योगफल बताना है, ठीक। तो विषम भाजक है 3 3 और 5, 3 3 और 5,
अब क्या करेंगे, अब हमें योग निकालना है, लेकिन सबका योग नहीं निकालना है, केवल इनसे मतलब है, मेथड वही चलेगा, लेकिन बस विषम वालों से मतलब है, तो बाकी इनका सबका काम खत्म, इनसे सवाल नहीं पूछा है। ठीक, अब विषम में देखो तीन कई बार है, दो बार, तो दो बार है तो कितने बार लिखेंगे, तीन बार, पहला पद एक, फिर तीन से गुणा, एक तिहाई तीन, फिर तीन में तीन से गुणा नौ, फिर दूसरा पद, दूसरा विषम पद है पांच, पांच कई बार है, एक बार, एक बार है तो कई बार लिखेंगे, दो बार, पहला पद हमेशा एक, काहे का मल्टीपल पांच का, तो पांच एक कम पांच, एक बार था दो बार, अब नौ तीन बारह और एक तेरह, ठीक है, और पांच और एक छह, तेरह गुणे छह, तेरह छंग अठहत्तर। वेरी गुड भाई, कमाल हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसका आंसर दे पाएंगे, ये उम्मीद मुझे नहीं थी, ठीक है, लेकिन मोनिका, सैलेन, सौरभ, रूपल, नूर, इन लोगों ने तो इस सवाल का भी आंसर दे दिया, शायद थोड़ा थोड़ा आप गणित पकड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, एक बात का सारे लोग जवाब दें, सारे लोग एक बात का जवाब दें, आप सारे लोगों को क्या स्क्वायर करना आता है? बहुत आसान तरीका, अगर आप सारे लोगों को स्क्वायर करना आता है, रूट निकालना आता है, क्यूब रूट निकालना आता है, तो स्क्वायर करना हो, रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, ठीक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है, मैं इस हिस्से को भी बड़ा जबरदस्त आपको बताऊंगा। चलिए, सैलेन कहते हैं नहीं, नूर कहते हैं नहीं, पूनम कहती है यस, ठीक है, अजय कहते हैं नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग बीच में किसी और क्लास में, किसी और क्लास में हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे केवल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर, ठीक है, क्योंकि वहां वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के यहां एक आध क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है, और बड़ा आसान तरीका है, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास जरूर समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो थोड़ा यार शेयर वेयर कर दो, कुछ ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर दो, मैं भी खुश हो जाऊं, तो मेरे लिए आप लोग इतना काम करें, मैं आपके लिए भरपूर मेहनत करूंगा, थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए समय दें, 10-20 सेकंड का एक काम करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे दिए गए लिंक को, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी समय पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।